हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों का यूट्यूब पे चैनल है तो उसको प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप लोग प्रमोट नहीं करते हैं तो आपके चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, जिससे कि आपकी अर्निंग भी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ और मैं कुछ इजी स्टेप्स बताऊँगा जिसको आप फॉलो करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या तरीके हैं, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एंड यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना सो दैट आपको हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वो तरीके हैं जिससे कि आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली वही तरीके हैं जो पहले काम करते थे और आज भी वही तरीके काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो तरीके आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उन तरीकों पे कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीन नहीं करते हैं। बिकॉज उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में चली जाती है तो फिर वो भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को, और फिर जैसे उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में चली जाती है वही तरीका वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या वो तरीके हैं जो कि आज मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं? तो सबसे पहला जो तरीका है वो है SEO। जी हाँ फ्रेंड्स, SEO एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और आने वाले फ्यूचर्स में भी SEO ही रोल करने वाला है। बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हैं, YouTube अब एक सोशल मीडिया ही नहीं रह गया है बल्कि ये दुनिया का सेकेंड लार्ज सर्च इंजन बन गया है। आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे कि दाल मखनी कैसे बनानी है, बेशक आपने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, तो आप उसके ऊपर देखेंगे और आप इतनी स्वादिष्ट दाल मखनी बना लेंगे कि जो भी खाएगा वो कहेगा आपने पहले भी कभी बनाई होगी। इसी तरीके से आप कुछ भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको सबका रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज ये दुनिया का सेकेंड लास्ट सर्च इंजन बन चुका है, तो प्लीज़ इसके ऊपर आप अपडेट रहिए एंड अपने चैनल का एंड अपनी वीडियोस का SEO करिए, जिससे कि आपका चैनल भी ग्रो होगा एंड आपके जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी ग्रो होंगी, जिसके ऊपर व्यूज़ आएंगे एंड सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन होगा एंड आप अर्निंग भी कमा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, SEO के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली अगर आप लोग सर्च करेंगे डिजिटल सुरजीत तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आएगा, बिकॉज मैंने डिजिटल सुरजीत के नाम से अपने चैनल को टॉप कराया है, ब्रांडिंग बनाई है उसकी। अगर आप सर्च करेंगे HDM डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा पहला इसी चैनल का नाम था। अगर आप कुछ वीडियोज़ में देखेंगे, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो उसके अंदर जब मेरी वीडियोज़ चलती होगी तो उसके अंदर आप देख पाएंगे कि HDM डिजिटल मार्केटिंग है, बिकॉज पहले मेरे चैनल का नाम वही था। तो पहला तो हो गया आपको अपने चैनल की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, दूसरा लोगो आपको रखना पड़ेगा एंड तीसरा हम लोग करेंगे टाइटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीडियो के अंदर टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी को पढ़ के ही कई सारे लोग क्लिक करते हैं। थंबनेल तो क्लिक बैट होता है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके ऊपर भी व्यूज़ आते हैं एंड उसके साथ साथ लोग टाइटल्स भी पढ़ते हैं, तो टाइटल भी आपको डालना जरूरी है। और टाइटल और वीडियोस उसी को बनानी चाहिए जिसके ऊपर लोग सर्च करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के SEO के अंदर, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स हो गया, तो ये सब भी आपको फाइंड करना या फिर अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। तो पहले पॉइंट के अंदर तो आप अपनी वीडियोस का SEO कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको करना होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लो या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दोनों के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट लेकिन जो तरीके हैं वो आपके सामने सेम ही होने वाले हैं। इसके अंदर भी आपको वही करना है जो आपको लोग बताते हैं। फेसबुक पे आपको मार्केटिंग करनी है, आप एड्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर फ्री में भी कर सकते हैं। तो फ्री में कैसे कर सकते हैं? बेसिकली तो आपको अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, चैनल बनाना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा एंड प्रोफाइल होगी आपकी, उसके अंदर आपको अपने जो वीडियोस हैं उनको शेयर करना पड़ेगा। जो आप वीडियोस बनाते हैं उनको आप अपने सोशल मीडियाज के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ से भी व्यूज़ आते हैं। अगर आप देखेंगे कई सारी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी सेम होती है एंड फेसबुक के ऊपर भी सेम होती है एंड व्यूज़ वहाँ पर भी होता है एंड यहाँ पर भी होता है। तो फेसबुक पर अगर आपकी कोई वीडियोज़ देखता है तो वहाँ से भी लोग आपके चैनल पर आते हैं एंड वहाँ से भी सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेसबुक पे कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनके अंदर रूल्स वगैरह भी हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही वीडियो जाती है और वो उसके बाद पेंडिंग के लिए जाती है, अप्रूवल के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी वीडियोस को अप्रूव करते हैं, देन वो पब्लिश होती है, अदरवाइज वो वैसी पेंडिंग में पड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिर्फ यूट्यूब के लिए। तो मेरा एक फेसबुक पे ग्रुप है जिसके अंदर आप बिना ज्वाइनिंग करे भी अपनी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसके ऊपर जाके अपने उस ग्रुप के अंदर आप भी अपनी कोई सी भी वीडियो को पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं लोगों से सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब का, और अपने सब्सक्राइबर को वहाँ से गेन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पेज के ऊपर भी अपना भी पेज बनाइए, उसको ग्रो कराइए, क्योंकि पेज के बिना आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको आप लोग अपने फेसबुक पे एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, जिसके लिए पेज की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से उस पर भी पेज बनाइए, क्योंकि जब ऐड चलेगी तो लोग आपके पेज पे विजिट करेंगे और वहाँ से आपकी कई सारे वीडियोस को क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद ही वो कुछ एक्शन वगैरह लेते हैं।
तो वहां से भी आप अपने चैनल को या फिर ग्रो करा सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम कहते हैं, वहां पे भी आप जो भी कुछ करते हैं उसका शॉर्ट्स बनाइए, रील्स बनाइए। जैसे कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे कर दिए, बहुत थक गया हूं मैं, ये देखिए ये वीडियो आने वाली है, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप डालिए #YouTube या फिर #YouTube चैनल, तो आपको कई सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आप उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने चैनल को ग्रो कराना है। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि लोग किस तरीके से अपने YouTube के लिए कंटेंट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया #YouTube चैनल, तो लोग इस तरीके की वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे कि उनकी वीडियोस पर पब्लिश हो चुकी है, फिर उन्होंने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसकी फोटो खींची और ऐसे करके उन्होंने डाल दिया न्यू व्लॉग करके, और 110 लाइक आए हैं। अभी न्यू वीडियोस है, 110 इसके ऊपर लाइक आए हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 22 घंटे पहले इन्होंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया। तो इस तरीके से आपको भी अपने चैनल पे कोई भी वीडियो पब्लिश होती है तो उसको आपको शेयर करना है। ऐसे ही ये कई सारी वीडियोस को पब्लिश करते रहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो यही काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं और वीडियोस ले लेता हूँ, ये भी वीडियोस बना के इन्होंने शॉर्ट क्लिप करके अपने चैनल पर डाला है इंस्टाग्राम के, एंड यहाँ पर भी सेम मेथड यूज़ हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए जैसे बैकग्राउंड में क्या करते हैं आप लोग, उसको भी आप लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बेसिकली कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। एंड अगर आप तीसरे मेथड की बात करेंगे तो इसके अंदर आता है रेडिट। रेडिट के ऊपर भी कई सारे लोग अपनी वीडियोस को एम्बेड करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है रेडिट का, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक वीडियो पब्लिश हुई है, ये चैनल है डीप इनटू यूट्यूब, इसके ऊपर देखिए 1032 एंड 25 लाइक्स कमेंट्स आए हैं। तो मतलब कि इस वीडियो को कई लोगों ने पब्लिश किया है, मतलब कि इस वीडियो को कई सारे लोगों ने लाइक वगैरह पसंद किया है, तभी इसके ऊपर इतने सारे अपवोट्स आए हैं। तो रेडिट भी एक अच्छा मेथड है जिससे कि आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर देख पा रहे होंगे कई सारे लोग अपनी वीडियोस को यहाँ पर डालते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं रेडिट पर अपनी वीडियोस को डालना, तो यहाँ पे इनके कई सारे रूल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप साइट्स में आप देख सकते हैं कि क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं जिससे कि आप इनके चैनल पर वीडियोस पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे इनके रूल्स आ गए हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, तभी आप इसके ऊपर वीडियो डाल सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए रेडिट पर वीडियो डालना, तो मैंने भी इसके ऊपर भी अभी एक दो दिन पहले अपना एक पेज बनाया है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी वीडियोस को डाल सकते हैं। कोई रूल्स कोई रेगुलेशन अभी नहीं है, बिकॉज जिनका चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उनका भी चैनल ग्रो हो, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी दो मेथड की, SEO एंड सोशल मीडिया की, और अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की, तो वो है आपका गूगल एड्स। जी हाँ दोस्तों, YouTube खुद प्रेफर करता है कि आप अपने गूगल एड्स चलाइए, बिकॉज गूगल एड्स के अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है जिससे कि आप अपने चैनल को क्विकली प्रमोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गूगल एड्स के अंदर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप डेली बजट लगा के अपनी ऑडियंस को सेट करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, अपने चैनल उन लोगों को दिखा सकते हैं, अपनी वीडियोस उन लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं या पहुँचा सकते हैं जो आपकी वीडियोस को देखना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियोस नहीं है, मेरे को पता है उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इसी तरीके से मैंने भी अपने चैनल को ग्रो किया था, प्रमोट किया था, जिससे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए थे। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एंड यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, सो दैट आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि आपको ग्रुप का लिंक्स मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का हो या फिर रेडिट चैनल का है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।